तो बहुत लोगों का सवाल रहता है कि उनकी ESC बार बार बर्न हो जाती है। अब वो लोग यूज़ करते हैं अपनी सिमोंग की रेड या येलो वाली ESC आती है, आपने देखी होगी, बहुत सस्ती मिलती है, चीप में मिलती है, बस 300-800 रुपये की मिलती है। वो लोग महंगी ESC यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते। उसको उनको कहना है कि भैया इसी ESC को कुछ ऐसा बताओ कि इसका लाइफ बढ़ा सकें। क्या है कि ये ESC एक टाइप से होती तो बेकार ही है, सस्ता कंपोनेंट लगा रहेगा। आप सोच ही रहे हो अगर कोई कंपनी आपको कुछ सस्ते में दे रही है, मतलब इस ESC में कुछ ना कुछ सस्ता लगाया गया है। तो अब ये बात है कि जब आप इस ESC को खरीदते हो तो सबसे पहला काम आप ये कर सकते हो जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो उससे आपकी ESC की लाइफ स्पैन बढ़ सकती है। अब जैसे कि मैंने इस ESC के साथ करके देखा, उसको मैंने बहुत चलाया और इसकी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसको मैंने बहुत चलाया एक टाइप से, यही समझ लो। इससे मैंने आराम से 50 से 60 फ्लाइट निकाली, अभी तक ये ख़राब नहीं हुई, बढ़िया चल रही है। तो 50 से 60 फ्लाइट, वो भी 20-20 मिनट की, आप समझ रहे हो कितनी देर चली है ये ESC। हाँ, तो अब आप देख सकते हो कि इसमें मैंने इसका हीट सिंक वगैरह निकाल के इसमें मैंने अपना खुद का थर्मल पेस्ट लगा दिया हर मॉसफेट पे। अब मैंने ऐसा क्यों किया? अब आप अगर एक आर ESC अपनी खोल के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इन लोग का एक वाइट टाइप की थर्मल पेस्ट नहीं, एक ग्लू लगी रहती है इसके ऊपर, उसके ऊपर ये मैग्नेट, ये अपनी मेटल की प्लेट चिपका देते हैं। तो होता क्या है कि ये कांटेक्ट नहीं होती, जो मेटल की अपनी प्लेट होती है ना, वो ढंग से कांटेक्ट नहीं करती अपनी ESC को, और ESC के जो अपने पूरे मॉसफेट रहते हैं उनको कांटेक्ट नहीं कर पाती और वो मॉसफेट बर्न हो जाते हैं। अब क्यों बर्न हो जाते हैं? क्योंकि मेटल प्लेट का पूरा कांटेक्ट नहीं है। तो एक दो, जैसे कि अपने इसमें 8 मॉसफेट हैं, अब 8 में से पता चली 2 पे कांटेक्ट नहीं है, तो 6 तो आपके सही काम करेंगे, 2 गर्म होंगे, बार बार गर्म होंगे, आप 20-20 मिनट की फ्लाइट लोगे और फिर गर्म होएगा, फिर गर्म होगा, तो ऐसे मॉसफेट खराब हो जाते हैं और आपकी ESC बर्बाद हो जाती है, आपके 300 रुपये पानी में चले जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस ESC को कैसे सही कर सकते हो। अब सही तो ये होएगी क्योंकि आप नई ESC, आप चालू ESC को कर रहे हो। और अब आप इसको आप देख सकते हैं कि मैं इसको बहुत अच्छे से साफ कर रहा हूँ थिनर वगैरह से, और इसका पूरा अपन पहले, सबसे पहले तो आप जो भी वाइट कंपाउंड इनके मॉसफेट के ऊपर लगा है वो आपको सबको निकाल लेना है रेड कवरिंग उतार के। उसके बाद आपको इनके मॉसफेट का अपर पार्ट सबसे ऊपर अच्छे से साफ कर लेना है। इसके बाद आपको ऐसे ये ब्लेड से खरोच खरोच के जितना भी अपना अलग सा जो वाइट कंपाउंड लगा है कुछ कुछ मॉसफेट पे, वो भी आपको निकाल लेना है, जैसा कि मैं बता ही रहा हूँ आपको इस वीडियो में। अब इसके बाद आपको ये सब करने के बाद आपको पूरा जब आप निकाल लोगे तो इसके बाद आपको इस पर थर्मल पेस्ट लगाना है। तो चलिए मैं सब आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको थर्मल पेस्ट लगाना बता। तो आप देख सकते हैं मैंने पूरा थर्मल पेस्ट निकाल लिया है और सब कुछ साफ कर लिया है, मतलब उसका जो पूरी वाइट कवरिंग थी वो सब साफ कर ली। अब आपको कोई अच्छी हाई क्वालिटी का थर्मल ग्रीस या थर्मल पेस्ट लेना है, वो अपने 8ों के 8ों मॉसफेट पे रख देना है, जैसा कि मैं रख रहा हूँ। एक एक दाने के बिल्कुल छोटी छोटी डॉट्स रखना है आपको, ज़्यादा नहीं रखना, अगर आप ज़्यादा रख लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने कितना रखा है, तो ऐसी बिल्कुल आपको छोटी छोटी डॉट्स इन सब के ऊपर रख देना है। तो अब इन सब के ऊपर ऐसे थर्मल पेस्ट रखने के बाद आपको क्या है कि मैंने आपको बीच में बताया भी था कि मैंने एक छोटा सा हीट सिंक ला के कंपेयर किया था, तो वो हीट सिंक अपन इस वाली मेटल प्लेट के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि ये मेटल प्लेट इतनी इतनी पतली है कि ये ज़्यादा हीट डिसिपेट नहीं कर पाएगी। तो अगर आपको इसको बिल्कुल अच्छे से ठंडा करना है तो इसके ऊपर अपन एक और एक्स्ट्रा हीट सिंक लगाएंगे और उसके ऊपर टेप चिपका देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इसके ऊपर भी मैंने हल्का सा थर्मल पेस्ट लगा दिया है, और कुछ इस साइज का आपको हीट सिंक चाहिए, इस साइज का हीट सिंक आप ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हो अगर आपको मिल जाए। ये मैंने ऑफलाइन मार्केट से खरीदा है, मात्र
4 रुपए का। ये जो हीट सिंक मैंने इसके ऊपर लगाया है, ये 4 रुपए का खरीदा है रिटेल मार्केट में, और इसकी अगर आप होलसेल मार्केट में प्राइस पूछोगे तो इसकी होलसेल मार्केट में प्राइस 2 रुपए है। तो ये आपको 2 रुपए का हीट सिंक ऐसे 4 रुपए का तो मिल ही जाएगा, 2 का ना मिले तो। आपको ऐसे 4 रुपए का हीट सिंक कैसे लगाना है, उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक टेप, आपको कोई भी सेलो मेलो टेप नहीं चिपकाना है इस पर। ये जो अपना वाइट ब्लैक और ग्रीन कलर में ऐसे इलेक्ट्रिक टेप आते हैं ना, इंसुलेटर रहते हैं जो उनमें, उसकी जो ग्लू रहती है वो इंसुलेट करती है, वो अब कंडक्ट नहीं करती। इस टाइप के आपको हाई क्वालिटी के इलेक्ट्रिक टेप लगाने हैं, जैसे कि बहुत सारी कंपनी एंकर वगैरह के आते हैं, उसके इलेक्ट्रिक टेप लगाने। अगर आपने कोई भी टेप लगा दिया तो देयर आर चांसेस कि आपकी ESC शॉर्ट हो जाए, और अगर आपकी ESC शॉर्ट होगी तो फिर से भी ये ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए आपको अच्छा ही इलेक्ट्रिक टेप लगाना है। तो अब इस इलेक्ट्रिक टेप को लगाने के बाद आपकी ESC कुछ बिल्कुल ऐसी दिखेगी। अब ये नई जैसी तो नहीं दिखेगी, आपको ऐसा लगेगा, सबको पता चल जाएगा कि आपने मॉडिफाई किया है। तो ऐसी कुछ ESC दिखेगी, और आपकी अब ESC की आप अपनी लाइफ स्पेन बढ़ा चुके हो। तो यही था इस वीडियो में, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। और अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद देखने के लिए।